नमस्ते, निरल बिजनेस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप मेरे कैंडल मेकर है, इसलिए कैंडल मेकर के लिए छोटा टिप्स देता हूँ। आज हम कुछ एक नया टिप्स कैंडल बनाने के लिए देखेंगे। आपको प्लेटर मालूम है, एक रेजिन आर्ट आता है जिसमें ऐसे मोल्ड मिल जाते हैं, हम इससे वैक्स का प्लेटर बना लेंगे। अभी यहाँ हमारा प्लेटर भी वैक्स का रहेगा और हम इधर कैंडल भी रखेंगे, वो भी वैक्स का रहेगा, तो ये कुछ अपना नया चीज़ लगेगा। एक वीडियो में मैंने वो भी बताया है कि ऐसे कंक्रीट से भी हम लोग वैक्स का पार्ट बना लेते हैं। ये हमारा वैक्स का पार्ट है और अंदर जो हम कैंडल बनाएंगे वो भी वैक्स का रहेगा। तो जैसे कॉम्बिनेशन किया वैसे ये भी कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ये मेरा प्लेटर का मोल्ड है, रेजिन आर्ट का हम लोग कहते हैं। आप इसे वैक्स से बना सकते हैं, कंक्रीट से बना सकते हैं, जेस्मोनाइट से बना सकते हैं और रेजिन से भी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा स्लांट रखेंगे, चाहे आप यूं रखो कैसे भी, और एक कलर का वैक्स यहाँ थोड़ा भर डालेंगे। बाद में इसको रिमूव करेंगे और दूसरा कलर भर डालेंगे। आप यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, छोटा चिप्स डाल दो और वैक्स भर डालो, चंक दिखेगा, तो वैसे कुछ भी काम हम यहाँ पे करेंगे। अभी समझो मैंने यहाँ वैक्स भर डाला, दूसरा प्लेट फ्लैट करके दूसरा भर डाला, मेरी प्लेट को कुछ भी शेडिंग दिखेगा। बाद में उसमें कैंडल बिठा देंगे और चाहे तो आप वैक्स भर डालो, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी कर सकते। तो आज हम ये आपको बना के दिखाता हूँ। अभी ये क्रिएटिविटी का काम है, कैंडल मेकर को समझ में आ जाता है। और समझो आप कैंडल नहीं बनाते तो मेरे इंस्टीट्यूट में कैंडल मेकिंग का कोर्स भी चलता है। यदि आप बेसिक कैंडल बनाना समझ गए तो उसमें मोटिवेशन या क्रिएटिविटी आप इजीली कर सकते हैं। फिर ये हमारा लग्जरी कैटेगरी का कैंडल होता है। कैंडल बनाने का बात वही रहता है, हम ऐसे प्लेट में बना लेते हैं, कैंडल रख देते हैं, तो ये हमारा लग्जरी कैंडल हो गया या सेंटर कैंडल हो गया, तो यूँ चेंजिंग हो सकता है। तो सेम वे हम ये प्लेट भी वैक्स का बना लेंगे और आगे का प्रोसेस इसमें करेंगे, तो ये हमारा लग्जरी कैटेगरी में या सेंटर पीस में आ जाएगा। थैंक यू। ये मेरा वैक्स रेडी है, एक कलर का, जो मैं यहाँ पोर करता हूँ। ये मैंने कर दिया। अभी दूसरा कलर एट रैंडम भर डालूँगा तो ये अपना डबल कलर हो जाएगा प्लेट का। थोड़ा हार्ड होने तक वेट करेंगे, फिर इसको लेवल करेंगे और दूसरा कलर आप भर डालोगे, आपका एक नया प्लेट वैक्स का बन जाएगा। अभी ये हम दूसरा कलर भर रहे हैं, प्लेटर को स्ट्रेट कर दिया है और सेकंड कलर मैंने भर डाला है। अब वेट करके हम इसको डिमोल्ड करेंगे। देखिए हमारा मोल्ड सेट हो गया है। ये आपने जो देखा वो डबल कलर, आपको टॉप ऐसा दिखेगा, ये हो गया। अब हम इसको डिमोल्ड करेंगे, ये डिमोल्ड हो जाएगा, ये हमारा प्लेट रेडी हो जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस से भी आपको परफेक्शन आ जाएगा, कभी बिगड़ा तो एक आध पीस बिगड़ेगा भी, वो कैंडल मेकर सब समझ जाते हैं। तो ये हमारा प्लेट बन गया, टोटली ये वैक्स का है। अभी समझो मैंने कैंडल रख दिया, विक चिपका देंगे हम, कुछ भी वो जुगाड़ करना पड़ता है। कुछ कुछ वीडियो आप मेरे को देखोगे तो आपको अलग अलग पॉइंट देखने को मिलेगा। तो ये आपका लग्जरी कैंडल बन गया। अभी ये जो प्लेटर हमने बनाया, इसी तरह आप अलग अलग प्लेटर भी बना सकते। और जैसे मैंने पहले बताया
ये भी मेरा पूरा वैक्स का है, इसके मोल्ड हमारे यहाँ मिलते हैं, ये हमने बना लिया वैक्स के, फिर इसमें वैक्स भर डाला, अभी कॉन्ट्रा कलर किया है, यहाँ यह ग्रीन है, येलो वैक्स भरा, और इसको भी हम लेवल कर सकते हैं, लेकिन कुछ कारण से मैंने नहीं किया है, और ऐसा कुछ टॉपिंग बना लो, टॉपिंग यहाँ रख दो, ये आपका लग्जरी कैंडल बन जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि छोटा सा टिप्स जो मैंने आपको दिया है आपको कैंडल बिजनेस के लिए कहाँ ना कहाँ काम में आएगा। और आप मेरे कैंडल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे सब वीडियो एक दफ़े देख लो, समझो आप नए हैं, जूनी वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो देख लो, जिससे आपको कुछ अलग टिप्स मिल जाएगा, क्योंकि इतने सारे टिप्स है कि अलग अलग वीडियो से आपको अलग अलग टिप्स मिलते रहेगा। हैप्पी बिजनेस। अच्छा, मेरे निरल बिजनेस इंस्टीट्यूट में कई प्रोडक्ट का ट्रेनिंग मिलता है, तो आप अपने घर बैठे छोटे मोटे प्रोडक्ट बना के अपना गृह उद्योग कर सकते हैं। चाहे आप गृह उद्योग भी करो या हॉबी डेवलप करो, अपना छोटा सा बिजनेस कर सकते हैं। तो जैसे अगरबत्ती बनाना, मेनबत्ती बनाना, ग्लिसिन साबुन बनाना, स्प्रे बॉटल, फिनाइल, लिक्विड सॉप, तो ऐसे करीब 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट का ट्रेनिंग मेरे यहाँ मिलता है। आप चाहे तो व्हाट्सअप करो, मैं आपको मेरा पूरा डिटेल का कैटलॉग भेज देता हूँ। और यदि कोई आपका फ्रेंड को कुछ बिजनेस शुरू करना रहेगा, चाहे आपका फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, तो उनको भी आप मेरा रेफरेंस देना, मेरा कैटलॉग मंगा लोगे तो आपको सब जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू।